विपक्ष कहती है कि हम आम जनता के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, उनके प्रति संवेदनशील है, लेकिन यहाँ पर तो संवेदनशीलता सरकार की दिख रही है कि सरकार चाह रही है कि काम हो। खेद प्रकट किया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने, और जब संसदीय कार्य मंत्री जी खेद प्रकट कर लेते हैं उसके बाद और किसी के माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती। ये सदस्यगण जो है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं तो उन लोगों से आग्रह करूँगी कि वो लोग समझें और अब चलने दें, अब काफ़ी हो गया है। आज सदन दूसरे पाली में जो सदन चला उसके बाद सदन बिल्कुल भी नहीं चला, सदन स्थगित हो गया। हमारे साथ जेडीयू के विधायक हैं, उनसे जानते हैं कि मैडम आज सदन जब चला दूसरे पाली में तो बिल्कुल भी सदन नहीं चला। जी बिल्कुल भी नहीं चला, विपक्ष लगातार हंगामा किया। जी जी बिल्कुल हंगामा हुआ, और सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय मुख्य सचेतक जी ने, सब लोगों ने खेद प्रकट किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जब खेद प्रकट कर लिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। उसके बाद माननीय सदस्यों को जो विपक्ष के हैं वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आदर करती हूँ मैं उन लोगों का। वो लोग अगर मान जाते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि फिर सारी प्रक्रियाएं हो ही गई हैं, तो फिर अब आगे समय बर्बाद करके सरकार का पैसा, आम जनता को परेशानी होगी। आखिर सदन नहीं चलने से आम जनता को ही परेशानी होने वाली है, उनका ही काम नहीं होगा। विपक्ष कहती है कि हम आम जनता के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, उनके प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन यहाँ पर तो संवेदनशीलता सरकार की दिख रही है कि सरकार चाह रही है कि काम हो, और काम विपक्ष नहीं होने दे रहा है। माफ़ी मांगने की बात कर रहे थे, तो माफ़ी मांगा गया था? खेद प्रकट किया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने, और जब संसदीय कार्य मंत्री जी खेद प्रकट कर लेते हैं उसके बाद और किसी के माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती है। संसदीय भाषा में खेद प्रकट करना मतलब यही होता है कि हम अफसोस जाहिर कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया, दो बार कहा, एक बार नहीं दो बार कहा। अब जैसे में सदन नहीं चलेगा तो ऐसे में तो जनता को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि जो मुद्दा है वो सदन तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल यही तो मैं भी कह रही हूँ, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये माननीय सदस्यगण जो विपक्ष के हैं, वरीय सदस्यगण जो हैं, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं तो उन लोगों से आग्रह करूँगी कि वो लोग समझें और अब चलने दें, अब काफ़ी हो गया है तो अब चलने दें। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी यही कहा कि सब कुछ तो हो ही गया, अब आप लोग चलने दीजिए। सारे लोग एक एक करके आग्रह कर रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहा है। मेरा भी आग्रह है कल से चलने दें, कम से कम आम जनता के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाए विपक्ष और सदन को चलने दें। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, क्राइम पहले रिकॉर्ड कम होता था, अब रिकॉर्ड ज़्यादा होने लग गया है, और इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जब आप वाली को गोली लग गई है, जी लग गई है, तो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल कुछ चीज़ें जाती हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सरकार की वजह से और किसी की वजह से हो, लेकिन मेरे पास आंकड़े ज़्यादा नहीं है इसलिए इस पर मैं जवाब नहीं देना चाहती। ये थे हमारे साथ जेडीयू के विधायक, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदन आज काफ़ी हंगामा हो रहा था सदन में, और विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। बने न्यूज़4नेशन के साथ, नमस्कार।